ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। कोरोना की तीसरी लहर आने के पहले ही सूबे की सरकार तैयारी में जुट चुकी है। राज्य के महावीर वात्सल्य अस्पताल में 90 बेडों का वार्ड स्पेशल बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जिनमें 30 बेड नवजात शिशु के लिए होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन करते हुए कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसको लेकर महावीर वात्सल्य संस्थान में 90 बेडों का एक वार्ड बनाया गया है, जिनमें 30 बेड नवजात शिशु के लिए रखा जाएगा। आपको बताते चले कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना संक्रमण की डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। इस वेरिएंट के शिकार सभी उम्र के लोग हो रहे हैं, खासकर बच्चों पर ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन को 4K417N नाम दिया गया है। यह म्यूटेशन कोरोना वायरस के बीटा और गामा वेरिएंट से भी मिला था। यह संक्रमण दूसरे वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फेफड़े में फैलता है। जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिए हैं उन पर असर कम पड़ेगा। वहीं आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वात्सल्य अस्पताल हर समय तैयार रहता है। अभी ये उत्तम है। हम लोगों ने बहुत शौक से इस महावीर वात्सल्य अस्पताल को बनाया है। देश में 10 सबसे बड़े अस्पताल होंगे बच्चों के, उनमें एक हम लोगों का अस्पताल है। और हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज से नहीं 2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था 30 अप्रैल को, तब से हम लोग उत्तम से उत्तम व्यवस्था दे रहे हैं, भविष्य में भी हम लोग देते रहेंगे। महावीर वात्सल्य संस्थान में 90 ऐसे बेडों की व्यवस्था की गई है, जिसपे यदि कोरोना का थर्ड फेज आता है और बच्चों को संक्रमित करता है तो उन सारे बेडों पे हम उनको ऑक्सीजन युक्त सारी सुविधाएं दे सके। और इसमें से 60 बेड है जो 3 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए है, और बाकी जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वैसे लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए 30 बेड की व्यवस्था की गई है। और हम सब जानते हैं कि महावीर वात्सल्य संस्थान बहुत वर्षों से राज्य के अंदर बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आगे बढ़ के कार्य करता रहा है। सामान्य गरीब लोगों के लिए बहुत ही बेहतर अस्पताल है और बहुत उच्च कोटि के जो चिकित्सक हैं वो यहाँ अपनी सेवा देते हैं। तो जहाँ सरकार ने एक तरफ पूरी तैयारी की है पीकू में, नीकू में, SNCU में, अलग अलग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में, वहीं आचार्य किशोर कुणाल जी की प्रेरणा से इस महावीर वात्सल्य संस्थान में भी यह काम शुरू हुआ है। और देश के की एक बड़ी संस्था 41 क्लब्स ऑफ इंडिया, जिसके श्री प्रसाद साहब यहाँ आए हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग इस पूरे काम में रहा है। तो हम सब लोग आगे यदि कोई चुनौती दूसरे वेव की तरह आती है तो हम उससे बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे, उसके लिए ये तैयारी किया गया है। और इसके लिए मैं महावीर वात्सल्य संस्थान को, आचार्य किशोर कुणाल जी को, राज्य सरकार की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ और श्री प्रसाद साहब को भी।